Anonymous. We are Legion. We do not forgive. हेलो दोस्तों, मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हो एयर के सर्वाइवल वर्ल्ड मोबाइल एडिशन। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्डिंग ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम इस प्रकार का टेक जनरेटर का टावर कैसा बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है टेक जनरेटर का टावर। ये फ्लोटर टावर है और ये आसमान में बनता है दोस्तों, और इसके अंदर टेक जनरेटर प्लेस होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इससे होता क्या, इससे आसपास के जितने भी टावर हैं हमारे फ्लोटर्स, उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये टावर, तो इसके अंदर टेक जनरेटर होता है। तो ये टावर बनाना आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा हम कैसा बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बनाएंगे ऐसा वाला टावर, टेक जनरेटर वाला। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये जो ब्रूंटो यहाँ पर घूम रहा है इसको मैं भगा देता हूँ, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करेगा। तो आप सही है, तो चलिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पिलर अप करना होगा, और पिलर अप करने के बाद ऐसा एक आपको पिलर ऐसा प्लेस करना होगा, एक पिलर। तो ये काफ़ी बेसिक आपको पता ही होगा कि हम पिलर अप कैसा कर सकते हैं। तो ऐसा एक पिलर आपने स्काई में प्लेस कर लेना है दोस्तों, उसके बाद हमको एक टेक जनरेटर लगेगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं जैसा कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा मैं बिल्ड कर रहा हूँ वैसे ही आप बिल्ड करते जाना है, और जहाँ पे जहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा वहाँ पर मैं बोल दूंगा कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर ध्यान से बिल्ड करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके ऊपर कुछ सीलिंग वगैरह कुछ प्लेस नहीं करना है, इसके ऊपर सीधा टेक जनरेटर प्लेस करना है हमें। तो मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए मैं एक टेक जनरेटर ले लेता हूँ। हाँ, हाँ तो देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार इसको यहाँ पर प्लेस करना है। तो ध्यान रखना है पूरा पैरेलल होना चाहिए इससे, पिलर से। तो देखिए इस प्रकार सही से एकदम मिडल में प्लेस करना है हमें इसको, मतलब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं इसको सही से प्लेस कर लेता हूँ एकदम। अब सही है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमें पिलर के ऊपर इस प्रकार हमें टेक जनरेटर प्लेस करना है। हाँ, तो जो सामान हमें लगने वाला है दोस्तों, सामान मैं अपने इन्वेंटरी में ले लेता हूँ। जैसे कि देखो, हमें ये जो हैच फ्रेम है मेटल का, ये हैच फ्रेम का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत गिरने वाला है, तो हैच फ्रेम ले लेता हूँ मैं। उसके बाद वुडन का सीलिंग का ज़रूरत गिरने वाला है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम मेटल पिलर हमें लगेगा तो ये भी ले लेता हूँ, और मेटल का डोर फ्रेम लगेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद सीलिंग ले लेता हूँ कुछ, ये सब चीज़ें ले लेना है हमने। तो इसको मैं अपने स्लॉट्स में इनको प्लेस कर देता हूँ अपने स्लॉट्स में, तो हमें आसानी होगी बिल्ड करने में। तो चलिए अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमें एक हैच फ्रेम लेना है और इस प्रकार यहाँ पर हमें इसको प्लेस करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार हमें इसको प्लेस करना है। उसके बाद दोस्तों हमें डोर फ्रेम लगाने हैं मेटल के। तो देखिए, वो डोर फ्रेम लगाने का एक टेक्निक है। अब देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इस साइड से हमने ये लगाया, टेक जनरेटर लगाया, तो जिस साइड से हमने टेक जनरेटर लगाया है ना, उसी साइड से हमें मेटल के डोर फ्रेम लगाना है इस प्रकार। तो आप देख लीजिए, मैं आपको कैमरा एंगल से बता देता हूँ। अरे भाई, बच गया नीचे गिरने वाला था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा एंगल से। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा टेक जेनी होगा, तो उसके इस साइड से क्या बोल गया, तो उसके इस साइड से हमें डोर फ्रेम प्लेस करना स्टार्ट करना है। तो ठीक है, अभी मैं फटाफट प्लेस कर लेता हूँ। मैं जैसा प्लेस करो दोस्तों, ऐसे आपको प्लेस करते जाना है।
हाँ तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार दिखेगा। इस प्रकार हमें इसको प्लेस करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड से हमें मेटल के डोर फ्रेम लगाना है। तो मैं फटाफट से बिल्ड करता हूँ, आप देखते जाइए। एक भी स्टेप मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर हमारा एक भी स्टेप मिस होता है ना तो हमारा टावर टूट जाएगा। तो आपने पूरा ध्यान से देखना है वीडियो को, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो। और दो दो हाइट पर हमें मेटल का डोर फ्रेम लगाने के बाद हमें हैच फ्रेम लगाना है मेटल का, यहाँ पर इस प्रकार। हैच फ्रेम नहीं, सॉरी, हमें सीलिंग लगाना है। उसके बाद एक पिलर लेना है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप गलत हो गया तो आखिर में जाके आपका टावर सीधा टूट जाएगा। तो हमें एक मेटल का पिलर लेना है, और पिलर को हमें ऐसा इस प्रकार ऊपर वाले सीलिंग में मिडल में लगाना है। ऐसा नीचे या फिर ऐसा ऊपर के साइड को नहीं लगाना है, हमें मिडल में लगाना है। इस प्रकार इसको प्लेस करना है। उसके बाद देखें, ये वाला जो होगा, ये वाला हमें इस प्रकार नीचे के साइड को दबा के लगाना है, जिससे कि हम ऊपर का सीलिंग तोड़ेंगे ना, तो आपको आगे आगे अगले वाले स्टेप में समझ जाएगा। इस प्रकार लगाने के बाद हमें जो मिडल के दो है उनको कनेक्ट कर देना है इस तरह से। 1 सेकंड, तो देखिए इस प्रकार हमें यहाँ पर पिलर प्लेस करना है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था, तो ये स्टेप मिस मत करना। ये ध्यान से स्टेप करना आप अगर बना रहे होगे तो। तो उसके बाद अभी चलते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक वुडन का सीलिंग लगा लेता हूँ हमारे इसके लिए, सेफ्टी के लिए। उसके बाद ये जो हमने मेटल का पिलर लगाया हुआ था ऊपर वाला, ये पिलर हमें तोड़ देना है। उसके बाद ये जो मेटल का सीलिंग है इसको भी हमें तोड़ देना है। और इसके जगह पर हमें हैच फ्रेम इस प्रकार प्लेस करना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमने जो प्लेस किया था कुछ इस प्रकार दिखेगा यहाँ पर मेटल का पिलर। अगर इस प्रकार दिखा, मतलब इससे एकदम फ्लैट, तो समझ लेना कि हमने मेटल का पिलर सही से प्लेस किया है। तो अभी हमें करना क्या होगा दोस्तों, अभी हमें वॉल्ट ड्रॉप करना होगा। तो मैं वॉल्ट ले लेता हूँ इसमें से। तो मैं आपको सही से बता देता हूँ कि अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है, किस प्रकार दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम वॉल ड्रॉप करते हैं टेक्जिनी के ऊपर। तो अभी मैं 1 बाय 1 वॉल्ट ड्रॉप करता हूँ दोस्तों। आप ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार वॉल्ट ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखिए, हमें ये जो हमने मेटल का हैच फ्रेम लगाया होता ना, इसको ऐसा टच करके हमें वॉल्ट ड्रॉप करना है कुछ इस प्रकार। देखिए कुछ इस प्रकार हमें इसको प्लेस करना है। और उसके बाद हमें ये वाला जो हमने हैच फ्रेम लगाया हुआ था मेटल का, ये हमें तोड़ देना है। इसके बाद हमें नीचे जाके वॉल्ट को हमें क्लेम करना है। हाँ, इस प्रकार होगा दोस्तों हमारा वॉल्ट ड्रॉप। तो मैं जल्दी जल्दी वॉल्ट ड्रॉप कर लेता हूँ, और फिर आप मेरे को देख देख कर फॉलो करके आप भी वैसा वॉल्ट ड्रॉप कर लेना। तो अभी हमें चारों साइड से ऐसा करना होगा इस प्रकार। तो देखिए, वॉल्ट को क्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर वॉल्ट नीचे गिरता है और हम उसको इस तरह से क्लेम नहीं करते,
तो फिर वॉल्ट सर्वर डीके कर देता है, मतलब तोड़ देता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा वॉल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पर। तो जो हमने एच फ्रेम लगाया था मेटल का इसके ऊपर, तो एच फ्रेम हमें तोड़ देना है जो हमने जनरेटर के ऊपर लगाया हुआ था। तो देखिए मैं आपको तोड़ के बताता हूँ, कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दोस्तों, टाइम लेता है ये प्रोसेस। तो देखिए ये वाला जो हमने लगाया होता ना ट्रैप डोर सीलिंग बोलते हैं इसको, तो इसको हमें ब्रेक कर देना है और वॉल्ट जो नीचे ड्रॉप हो गए उनको हमें क्लेम कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार लगेगा, इस प्रकार कुछ दिखेगा। तो देखिए उसके बाद हमें ऊपर के साइड से और वॉल्ट ड्रॉप करने हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से करके बताता हूँ कैसे करने वॉल्ट ड्रॉप। तो देखिए दोस्तों हमें ऐसे 8 वोल्ट रखने हैं ऐसे, इस प्रकार। तो देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा इसके ऊपर। उसके बाद हमें ये जो ट्रैप डोर सीलिंग है इसको ब्रेक कर देना है और हमें नीचे जंप करके वॉल्ट को क्लेम करना है। वॉल्ट को क्लेम करना मतलब दोस्तों वॉल्ट को एक बार देख लेना तो वॉल्ट ऑटोमेटिक क्लेम हो जाता है, तो सर वो उसको है ना डीके नहीं करता है। तो इस प्रकार हमें प्रोसेस करना है दोस्तों। यह हमें चारों तरफ से करना है, चारों साइड से। हाँ तो देखिए दोस्तों हमने जो नीचे का साइड था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है वॉल ड्रॉप का। अभी ऐसे ही प्रोसेस हमें अपर साइड में भी करना होगा दोस्तों, पर उसका कुछ ट्रिक है, कुछ तरीका है उसका करने का। तो चलिए अभी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से हमें वॉल ड्रॉप करना है दोस्तों लोअर साइड में स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद चलिए अभी हम ऊपर के साइड का करते हैं। एक कुछ जाल मेरा ऐसे कैसे उड़ रहा है भाई, आज नशे तो नहीं करके आए। तो देखिए दोस्तों हमें जो मेटल का जो ट्रैप डोर था वो हमें वापस से लेना है। उसके बाद वापस से हमें जनरेटर में इस तरह से लगाना है उसको, जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया हुआ था इस तरह से वो लगना चाहिए। उसके बाद चले अभी वो सेम प्रोसेस हमें ऊपर के साइड को जाना है और वॉल ड्रॉप करना है। तो देखिए मैं टावर काफ़ी स्पीड में भी बना सकता हूँ दोस्तों, पर मुझे वीडियो बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बना रहा हूँ ये टावर आपको समझाने के लिए। तो इसको इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस किया था दोस्तों सेम प्रोसेस हमें वापस रिपीट करना है, सेम टू सेम।
हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने सही से यहाँ पर वॉल ड्रॉप कर लिया है। उसके बाद जो हमने ट्रैप डोर लगाया हुआ था टेक जेनी पर, वो ट्रैप डोर हमें तोड़ देना है। तो देखिए इस प्रकार ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, ये हमको तोड़ देना है। उसके बाद हमें फटाफट से वॉल्ट जो है वो वॉल्ट हमें क्लेम कर लेने हैं चारों तरफ से। तो देखिए मैंने वॉल्ट भी क्लेम कर लिए। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस आपको पता है, हमें सेम वो जो हमने वॉल ड्रॉप किए थे पिछले टाइम लास्ट टाइम, वही उसी तरह से हमें वॉल ड्रॉप दोबारा से करना है। तो चलिए हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने जो वार्डरोब है वो कर लिए है सही से। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा टावर दिखेगा। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये स्टेप अपन आपने अगर गलत करते ये स्टेप, तो आपका ये जितना भी मेहनत है ना, जितना भी टावर आपने बनाया हुआ है, ये पूरा के पूरा टावर टूट जाएगा एक ही सेकंड में। तो ये स्टेप ध्यान से देखना। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं वुडन का रोप जो है, ये रोप मैं वुडन का ब्रेक कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं अभी हमें इसका। ओके, उसके बाद अभी हम इसको प्लेन बनाने वाले हैं दोस्तों, तो ये स्टेप ध्यान से देखना बहुत। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये वाला जो मेटल पिलर है इसको ब्रेक करना है स्टेप बाय स्टेप। इसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो मेटल का डोर फ्रेम जो है ना, इसको हमें इसके अंदर प्लेस करना है। तो देखिए इसके अंदर एक प्लेस हो रहा है, तो कंटिन्यू जितने प्लेस हो उतने प्लेस कर दो। तो देखिए दो मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिए, और आई थिंक तीन प्लेस हो सकते हैं उसके अंदर, तो मैं और एक एक डाल देता हूँ इसमें। और एक एक प्लेस होना चाहिए इसमें, दो तो प्लेस हो गए। हाँ रुको, देखो देखिए इस तरह से और एक एक प्लेस हो रहा है। तो तीन मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिए मेटल के, ये जो थे ट्रैप डोर या फिर हैच फ्रेम जो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे की ओर जाना है। देखिए यहाँ पर इस ओर हमें जाना है, और ये नीचे का जो भी एक्स्ट्रा का है वो हमें तोड़ देना है। मेरा नेट थोड़ा लैगी हो रहा है, इसीलिए 1 सेकंड मतलब डिले हो रहा है तोड़ने में। अबे हो जा ब्रेक। एक काम कर दे, अपना जो बैग है ना उसको पहले खाली कर लेते हैं अपना इन्वेंटरी, फिर शायद ट्राई करते हैं टूट जाए। तो देखिए दोस्तों नीचे का टूट गया डोर फ्रेम। देखो इस प्रकार हमें इसको तोड़ना है। उसके बाद हमें ऊपर के साइड को जाना है,
और ऊपर के साइड को जाके ऊपर का जो एक्स्ट्रा का ये डोर फ्रेम है इसको भी हमें ब्रेक कर देना है। ओके, अब ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो अंदर का आपको एक ये दिख रहा है मेटल का पिलर, इसको भी हमें तोड़ना है और ये ध्यान से तोड़ना है, मतलब गलत पिलर मत तोड़ देना वरना पूरा टावर चला जाता है, टूट जाता है एक ही सेकंड में। तो इसको मैं सही से पहले कुछ जाल को मैं सही से लगा लेता हूँ। ओके, अब चलते हैं हम भी, हमको ये वाला पिलर हमें ब्रेक करना है दोस्तों, मेटल पिलर, उसके बाद इसको ब्रेक करो। तो देखिए दोस्तों पूरा प्रोसेस एकदम सही से हो गया है, हमने सही से हमारा टावर बना लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें अंदर ट्रैप डोर लगाना है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा सही से अगर मुझे फॉलो किया होगा दोस्तों तो आपका भी ये टावर बन जाएगा एकदम सही से, और अगर आपने वीडियो आगे किया होगा तो आपका ये टावर इस वाले स्टेप पर टूटेगा, इस वाले स्टेप पर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर पहले फ्यूल डाल देता हूँ। तो देखिए मैं कुछ जल में से एलिमेंट ले लेता हूँ कुछ, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है जनरेटर ऑपरेट करना, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है हमें जनरेटर ऑपरेट करने के लिए। तो देखिए अभी ऐसे हो रहा है जनरेटर ऑपरेट, तो जेन को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं फ्यूल डाल देता हूँ और एक्टिवेट पावर कर देता हूँ। उसके बाद तो अभी अभी तो सब सही है, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक ट्रैप डोर लगाना है दोस्तों। तो देखिए ये वाला जो ट्रैप डोर है इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, मतलब प्रोटेक्शन हो जाएगा अपने टेक जेनी को। तो देखिए आपको जब भी ऑपरेट करना हो ये ट्रैप डोर ओपन करो और थोड़ा आगे पीछे करके देखिए टेक जेनी ऑपरेट हो रहा है हमारा, तो मैं सही से बताता हूँ आपको। हाँ तो देखिए दोस्तों हमारा टेक जनरेटर भी ऑपरेट हो रहा है, और इसको काम होने पर ये ट्रैप डोर वापस बंद कर दो तो हमारा टेक जेनी अंदर सेफ रहेगा एकदम। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा ये टावर टेक जनरेटर का। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।